ऐसे आप हैंडल नहीं करेंगे, ये बोल रहे हैं। ये तो मतलब कि बेटी है, ये चाहती है। नाजिया खान जी, क्या मामला? आयुष्मान कार्ड को लेके, ये आयुष्मान कार्ड से मेरे पापा का कोई इलाज नहीं हुआ। मतलूब हुसैन मेरे पापा थे और हम चार अस्पतालों में भटकते रहे। रात 9 बजे से सुबह 4 बज गए, लेकिन किसी भी अस्पताल वालों ने उन्हें एडमिट नहीं किया और इलाज नहीं किया किसी ने भी, और हम भटकते रहे। लौट लौटते में उनकी डेथ हो गई। क्या कारण था, क्यों नहीं इलाज किया उसका? जब हम लेकर गए तो इलाज करने को तैयार थे, जैसे ही हमने आयुष्मान कार्ड दिखाया तुरंत मना कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा ये आयुष्मान कार्ड से डॉक्टर मीटिंग पे हैं और आयुष्मान कार्ड से अभी इलाज नहीं हो सकता। किस किस अस्पताल में? मिशन हॉस्पिटल, खुशलोक, सरन हॉस्पिटल और राम मूर्ति। चार अस्पतालों में मना कर दिया? जी, चार अस्पतालों में मना कर दिया। राम मूर्ति से लौटते वक्त डेथ हो गई। क्या प्रॉब्लम? सिर्फ बुखार आया था 8 दिन पहले और बुखार को ही दिखा रहे थे पास में। फिर लास्ट में 7वें दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से एडमिट करने के लिए गए तो मिशन वालों ने तो फौरन यही कहा कि डॉक्टर छुट्टी पे है, कहीं और ले जाइए। फिर वहाँ से हम लोग खुशलोक ले गए। खुशलोक में उन्होंने एक रसीद भी हमारी बनाई। उन्होंने कहा कि फ़ाइल तैयार करिए, फाइल बनवाइए। फ़ाइल के लिए उन्होंने हमसे काफ़ी पैसे लेने के लिए कहा। हमने कहा आयुष्मान कार्ड है तो उन्होंने कहा बेड खाली नहीं है और आप कहीं और ले जाइए। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, बोले उन्होंने गुस्से में आकर ये भी कहा कि डॉक्टर मीटिंग पे हैं, आप ले जाइए कहीं और। फिर हम लोग सरन हॉस्पिटल ले गए। सरन हॉस्पिटल से हम लोगों को जैसे ही हमने सरन हॉस्पिटल में अपनी रोकी गाड़ी, उन्होंने डॉक्टर ने उसको वहीं पर ही हमारे पापा को देखा। देखने के बाद बोले हमारे ये आयुष्मान कार्ड हमारे अंतर्गत नहीं आता है, हम नहीं एडमिट कर सकते, आप कहीं और ले जाइए। हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा राम मूर्ति ले जाइए। राम मूर्ति में उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद फाइल में 1 घंटा लगा दिया इलाज, और 1 घंटा लगाने के बाद उन्होंने फिर आईसीयू में लेने के लिए कहा कि एक आप रसीद दी, वहाँ पर पर्चा बन वो बनवाइए, फाइल पैसे जमा करिए और आपके 50,000 सुबह तक उठ सकते हैं। हमने कहा आयुष्मान कार्ड है हमारे पास, तो वो बोले क्या नाम है, इलाज अभी नहीं शुरू होगा जब तक आप पैसे जमा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग यही दिन सोचते रहे क्या क्या करें क्या नहीं। फिर वहाँ से लौट के हमने किसी और हॉस्पिटल ले जाएं, वहाँ से रास्ते में लौटने में डेथ हो गई। अधिकारियों से शिकायत करी जी? अब मैंने सबसे शिकायत करी है और क्यूट भी किया है, वहाँ से जवाब भी आया है। आगे देखते हैं क्या होता है। आप तो मिलना चाहिए जब मोदी जी ने इतनी अच्छी स्कीम निकाली है तो उसका हर गरीब को उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर आज मेरे फादर का इलाज होता तो आज मेरे फादर जिंदा होते। काफ़ी लोगों को शिकायत की है प्रधानमंत्री, काफ़ी लोगों को शिकायत की है, वहाँ से जवाब आएगा मुख्यमंत्री जी को।